नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, टॉरस असेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रिडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे लगन के अनुसार देखें और इसे चंद्र राशि के अनुसार बिल्कुल ना देखें। तो आइए देखते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस रहेंगे और उसके बाद कैसे कैसे वे आगे ट्रांजिट में मूवमेंट करते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे और क्या वे रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्या खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है ये समय वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवेंथ हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके एट्थ हाउस में धनु राशि में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपने स्वयं राशि में शुक्र ग्रह के साथ, शुक्र और मंगल के साथ गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके टेंथ हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके इलेवेंथ हाउस में मीन राशि में सूर्य ग्रह और इनके ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजिशन। अब इसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं ट्रांजिट के अंदर उनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य उनके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के सूर्य इनके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के इनके इलेवेंथ हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन वाले जातक हैं उन्हें अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, अगर वे घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लगन वाले जातकों को अच्छा व्हीकल, अच्छा पेट्स, अच्छी फैमिली का सुख इस समय में प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ वृषभ लगन वाले जातक इस समय में कोई अधिकारी, गवर्नमेंट अधिकारी हो, उनसे मिलना, उनसे दोस्ती करना या उनकी दोस्ती के माध्यम से, फ्रेंडशिप के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इस समय उनके लिए उत्तम रहेगा, सभी प्रकार से लाभों की स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके लिए आपके सेवेंथ और आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके नाइन्थ हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप फौरन जाना चाहते हैं तो अपने स्पाउस के साथ आप फौरन जा पाएंगे, आपको फौरन जाने का सुख यहां पर प्राप्त होगा, परंतु अपने स्पाउस के साथ। या अगर आप मैरिड नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है, और आप कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने पार्टनर के साथ, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है उसके साथ या उसके माध्यम से आप अब्रॉड जा पाएंगे, ऐसा यहां पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ आपको अब्रॉड पर रहने वाले लोगों से कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होना, उनसे आपकी मीटिंग हो जाना, इस तरह की चीजें यहां पर प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ जो लोग आपसे अधिक दूरी पर रहते हैं, अब्रॉड का मतलब यहां पर ये नहीं कि आप अदर कंट्री में ही जाएं, आपके ही कंट्री में जो आपसे बहुत अधिक दूरी पर लोग रहते हैं उन्हें भी अब्रॉड में ही काउंट कर लेते हैं। वैसे अधिकतर यहां पर अब्रॉड को अब्रॉड ही कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश में चले जाना, परंतु अगर आपके कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लेनेट पावरफुल नहीं है तो भी आप अब्रॉड का मतलब यहां पर आप अधिक दूरी से रहने वाले लोगों से संपर्क साध पाएंगे, उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के माध्यम से या अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे, कुछ धन कर्म के कार्यों में आप रिलेट करेंगे, थोड़ा बहुत धन आपका दान पुण्य इत्यादि के ऊपर और किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च होता है यहाँ पर दिखाई देता है। अभी देखते हैं कि किसके ऊपर खर्च हो सकता है। वैसे यहाँ पर आपका धन पूजा पाठ इत्यादि के अंदर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मंगल ग्रह का। इसके बाद मंगल ग्रह 7 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे। देखिए जैसे ही मंगल ग्रह कुंभ राशि में आएंगे तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी कि आपको अपने पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर, अपने फ्रेंड
कि एडवाइस को लेकर के अपने कार्य व्यवसाय में इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को एब्रॉड में रहने वाले लोगों को आदान प्रदान करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। तो जब मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि, यहां से बात करते हैं क्योंकि ये तो समय अब करीब करीब पूरा हो ही जाएगा 6 अप्रैल तक। इसके बाद 7 से लेकर के, नहीं अभी हम यहीं से ही करते हैं, यहां से करते हैं 1 2 3 4। जब मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट अपनी ही राशि पर पड़ती है, आपके 12th हाउस पर, तो ये बताती है किसी ना किसी प्रकार से फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से सर्विस या कोई प्रोडक्ट उन्हें दे करके या ले करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ धन अब्रॉड पर रहने वाले लोगों से मिलने में या उनके ऊपर आपका कुछ धन खर्ची होता है, यहां पर दिखाई देता है। परंतु खर्च करके भी लाभ की ही प्राप्ति होना, आनंद की प्राप्ति होना, ये सब चीजें आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, धन खर्च होता है तो थोड़ा सा दुख होता है कि धन खर्च हो रहा है, मेहनत से कमाया हुआ धन जा रहा है, परंतु जब वही धन आपके लिए कुछ खुशियां लेकर आता है तो अच्छा फील होता है। अगर आप इस समय में कोई धन आपका किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च होता है तो आप देखेंगे कि वहां से एक जिसके ऊपर, जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर आपने अपना धन खर्ची किया है, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई है, जिससे आपको सुकून एक आनंद की प्राप्ति होती है, तो कुछ बेहतर ही होता है, तो ऐसा आप महसूस करेंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको कुछ ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, यात्राएं करने से लाभ होगा। हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस में कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रोडक्ट का आप कोई प्रेजेंटेशन दें, उसके माध्यम से आपको यात्रा करने से लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के यात्राएं करनी आपके लिए लाभदायक रहेंगी, यात्राओं से धन लाभ की भी प्राप्तियां आपको यहाँ पर होंगी और आने वाले समय में आप उन सब चीजों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप नए क्लाइंट, नए कस्टमर इस समय में बना पाएंगे और उनसे आने वाले समय में आप अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट को दे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका जो घर परिवार, आपका व्हीकल, आपके माता पिता, ये सब अच्छी कंडीशन में रहेंगे, सबकी स्थिति अच्छी रहेगी। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता पिता की जो हेल्थ है उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो होगा परंतु समय समय पर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहें तो उत्तम रहेगा, उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी। इस समय में आप अपने पेट्स के साथ भी कुछ स्पोर्ट इत्यादि खेल करके, एनर्जेटिक होकर के, एनर्जी का उपयोग करके उनके साथ समय स्पेंड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई व्हीकल इत्यादि आप परचेज किया था तो उसे ड्राइव करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आनंद आप प्राप्त करेंगे, दिल के अंदर एक सुकून जिसे कहते हैं पीस आप इस समय में फील कर पाएंगे। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए बुध ग्रह इनके 2nd और इनके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से, उनकी हेल्प के माध्यम से और अपने क्रिएटिव आर्ट क्रिएशन इत्यादि के कार्यों से और अपने संतान के माध्यम से अपने व्यापार को उन्नति प्राप्त होता देख पाए। उनका जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कोई बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है, उसके अंदर लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के कि परिवार को अगर साथ लेकर के, परिवार की खुशी के लिए अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको लाभ की ही प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जब 26 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक बुध ग्रह मीन राशि में चले जाए, जैसे ही बुध ग्रह मीन राशि में जाएंगे उस समय अंतराल में आपको धन की प्राप्तियां होना, आपकी धन की प्राप्तियां बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, अपनी वाणी के द्वारा आप लाभ प्राप्त करेंगे, आपकी वाणी में एक मधुरता होगी,
मधुरता तो होती है, परंतु एक जिसे कहते हैं ना टेक्निकल स्किल आ जाती है, बातचीत करने की कला होती है, वो कला आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और अपनी वाणी के द्वारा आप कुछ ना कुछ लाभ, नेम फेम, अपने मित्रों के साथ आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं, अगर संतान है, अगर वे स्टूडेंट हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर एजुकेशन के माध्यम से भी कुछ लाभ उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। हो सकता है अगर एजुकेशन कंप्लीट कर ली गई है, तो एजुकेशन से उसी एजुकेशन को यूज करके कोई बिजनेस या कोई जॉब इत्यादि की जाए, ताकि लाभ की प्राप्तियां हो। वैसे अधिकतर वृषभ लग्न वाले जातक पर्याप्त मात्रा में धनी होते हैं और ये अधिकतर बिजनेस ही करते हैं। अगर उनके बर्थ चार्ट के अंदर देखिए अगर दम है, तो उनकी प्लेनेटरी पोजिशन अच्छी है, डिग्रियां अच्छी हैं, तो अधिकतर यही देखा गया है कि वृषभ लग्न वाले जातक बिजनेस करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, बिजनेस करके ये लाभ नेम फेम प्राप्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी। और अगर जॉब भी करते हैं, तो जॉब के अंदर भी ये अपने को मालिक की तरीके से, बॉस की तरीके से देखते हैं, अच्छी डेजिग्नेशन इनकी होती है और वहां पर भी इनका नेम फेम और लाभ की प्राप्तियां होती है, तो इस चीज को आप इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक मेष राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे, देखिए बुध ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। वाणी को तोल मोल कर बोले, ज्यादा स्मार्ट नहीं ना बने, ज्यादा स्मार्ट बनने से भी कभी कभी चीजें, देखिए अगर बोलना आवश्यक होता है तो बोले, अगर बिना बोले ही काम चलता है तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह की चीजों को आप देखें, तब जाकर के बोलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज यहाँ पर पता चलती है कि वृषभ लग्न वाले जो जातक स्टूडेंट हैं, अगर वे एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं या अधिक दूरी से कोई टेक्निकल या आईटी से रिलेटेड कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन वे एब्रोड से या अधिक दूरी से प्राप्त करना चाहते हैं या ऑनलाइन सेक्टर के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए लाभदायक रहेगा और इस समय का उपयोग करके वे अपने आगामी भविष्य को उत्तम बना सकते हैं। तो ये था बुध ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वृषभ लग्न वाले जातक इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस समय में करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए समय उत्तम बना हुआ है। इस समय में कोई भी बिजनेस, व्यापार या जॉब करना या अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करना लाभदायक रहेगा। इस समय में किया हुआ प्रयास आपको लाभ की प्राप्तियां देगा। कब देगा, अभी देखते हैं। जैसे ही चूंकि ये जो प्रेडिक्शन है 14 अप्रैल से है और 14 अप्रैल 2022 तक है, 14 मार्च से 14 अप्रैल 2022 तक है और 14 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2023 तक गुरु ग्रह मीन राशि में आ जाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के गुरु ग्रह का जो गोचर का फल है, आपको क्या फल वे प्रदान करेंगे, क्या उसके लिए उपाय किया जाए अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो मैंने उसके अंदर बताया है, उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे ही गुरु ग्रह आपके 11th हाउस में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई लाभ प्राप्त करेंगे, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई फिक्स अमाउंट हो, कोई गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी हो, इस तरह की चीजों को आप प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ एक आनंद का अनुभव, कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके, मित्रों के द्वारा कोई एडवाइस लेकर के, दी हुई एडवाइस को इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका नेम फेम बढ़ेगा, आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। देखिए अभी तक आपने जो अपना धन है अपने बिजनेस, व्यापार या जॉब में आपने लगा दिया, सारा धन आपका करीब करीब लग चुका है, तो अब जो स्थिति बनेगी आपके बिजनेस से जो इनकम होगी, उस इनकम को आप सेविंग कर पाएंगे। किसी भी माध्यम से करें, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, दुनिया भर की पॉलिसियां हैं, किसी भी सेक्टर में आप धन को लगा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। स्थिति आपके लिए उत्तम बनेगी। इसके साथ साथ आपको
अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना यहाँ पर पता चलता है, मित्रों के माध्यम से लाभ होना। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, कुछ धन लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। कुल मिलाकर के स्थिति उत्तम रहेगी, लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो देखते हैं कितना लाभ प्राप्त कर पाते हैं। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। अभी गुरु ग्रह यहीं पर ही है तो यहां से बात करते हैं। तो गुरु ग्रह की तीन दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नवीं दृष्टि। तो जब गुरु ग्रह की पांचवी दृष्टि, एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पर पड़ती है, तो जो आपने कार्य व्यवसाय या कोई बिजनेस आप करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है जो करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको लाभ होना, धन की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। धन आपको प्राप्त होगा, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, इसके साथ साथ प्रसादम इत्यादि आप प्राप्त कर पाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। आपकी वाणी के अंदर एक गुरु जैसी गुरु तुल्य वाणी आपके अंदर होगी। दूसरे को एक सलाह देना, एडवाइजरी फील्ड में भी आप सक्सेस होंगे। अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं तो उसके लिए भी वह एडवाइस बहुत अच्छा रिजल्ट उसे दे पाएगी, उसे लाभ की प्राप्ति होगी, आपके लिए भी समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के परिवार के अंदर कोई पूजा पाठ इत्यादि, कोई धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप इस समय में हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा करें, अपने व्हीकल के द्वारा आप किसी धार्मिक टूरिस्ट धार्मिक प्लेस की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका कुल मिलाकर के मन बहुत ही धार्मिक रहेगा, धार्मिक विचारों में आप रह करके अपने कार्य व्यवसाय, अपने घर परिवार, अपने सभी कार्यों को आसानी से आप कर पाएंगे और शुभता के साथ कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि 7, 8, 9 एस्टेट आपके सिक्स हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके मामा और मौसी भी बहुत आनंदित रहेंगे। वे भी किसी पूजा पाठ इत्यादि के कार्य को करके या किसी प्रकार से धन लाभ प्राप्त करके, उन्हें धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या आप उनसे कुछ धन प्राप्त कर पाए ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है, या उनसे आप कोई एडवाइस ले लें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके घर के अंदर भी किसी न किसी प्रकार से कोई शुभता का माहौल देखा जा सकता है। उनके घर के अंदर कोई कार्य, पूजा पाठ इत्यादि का कोई कार्य हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, तो उसका भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के स्थिति बेहतर रहेगी। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र ग्रह आपके फर्स्ट हाउस के और आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके नाइन्थ हाउस में गए हैं, जो कि अपने मित्र राशि की, मित्र प्लेनेट की राशि में और मित्र प्लेनेट के साथ ही गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। इस समय वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए एब्रोड जाने का सबसे उत्तम समय रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर अगर वृषभ लग्न वाले जातक स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं, तो उन्हें जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर पीआर वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। समय उत्तम बना हुआ है, इस उत्तम समय का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अपने भाग्य के द्वारा मिलने वाली वस्तुओं से आनंदित रहें, या ये कहें कि भाग्य और हम स्वयं दोनों एक साथ दर कदम कदम से कदम मिलाकर के जब चलेंगे तो जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। हमने सोचा कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, अगले दिन ही हम उस चीज को परचेज करके ले आए, तो कितना आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह का आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे, सुख का अनुभव होगा, आनंद से रहेंगे। इसके साथ साथ जब शुक्र ग्रह 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे, शुक्र ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय में, देखिए कार्य व्यवसाय का जो क्षेत्र है, अपने कार्य व्यवसाय में ये थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे। ये समय उन कार्य व्यवसाय को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, थोड़ा सा एक्सपेंशन करने के लिए उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर वृषभ लग्न वाले जातक अपने कार्य व्यवसाय में अच्छी प्रकार से डूब जाएंगे और अपने कार्य व्यवसाय से लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर वृषभ लग्न वाले जातक
अपने बिजनेस अपने व्यापार के लिए, कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, या अपने मामा मौसी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कुछ धन कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसे ये प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में इनका बिजनेस इनका व्यापार अच्छी गति से प्रोग्रेस करेगा और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके योग कारक भी प्लेनेट बनते हैं, इसके साथ साथ आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय आपके लिए अति उत्तम समय मैं कहूंगा बना हुआ है। इस समय में आप अपने जीवन के अंदर जिन जिन चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। देखिए, इस समय में थोड़ा सा प्रयास ही आपको सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि इस समय में आप स्वयं और आपका भाग्य दोनों एक साथ गति कर रहे हैं। जैसे कि शुक्र जो कि आप है, और जो कि शनि जो कि आपका भाग्य है और आपका कार्य क्षेत्र, दोनों एक साथ जब गति कर रहे हैं, एक साथ गति करना आप ये माने कि जिन जिन चीजों की आपको आवश्यकता है आप उनके लिए थोड़ा सा अगर प्रयास करें, ज्यादा नहीं कहता हूं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और आप अपने भाग्य के माध्यम से मिलने वाली चीजों को लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा पाएंगे, किसी फीमेल की भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर कोई फीमेल है तो मेल की भी हेल्प लेकर के, और मेल है तो फीमेल की हेल्प लेकर के अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इत्यादि के कार्यों के माध्यम से, या एब्रोड पर रहने वाले लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। एब्रोड जाना चाहते हैं एब्रोड भी जा पाएंगे। समय आपके बहुत ही अनुकूल, या ये कहें कि जीवन का आनंद लेने का ये समय बना हुआ है। परंतु बात यहाँ पर ये आती है कि आप सोचते कैसे हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसे फल मिल जाता है। आपकी सोच अगर अच्छी है, आपको एब्रोड जाना है, तो इस समय में आपको एब्रोड जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप जा पाएंगे। आप इमेजिन करें, चीजें आपको प्राप्त होती दिखाई देंगी। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की देखिए 3 क्रूर दृष्टियां हैं, 3rd, 7th और 10th दृष्टि। ये जहां जहां पड़ती है वहां वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट देती है जब शनि ग्रह की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, और वहां पर सूर्य ग्रह भी मौजूद है जो कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लाभ के स्थान में बैठे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, विशेष तौर से अगर आपने कोई लोन लिया है घर के लिए व्हीकल के लिए, तो उसके लिए आपको समय पर अपना लोन चुकता कर देना चाहिए, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस समय अंतराल के अंदर, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी आप धन फिक्स करें गवर्नमेंट बैंक में, अगर आप कोई ये बैंक सभी गवर्नमेंट से अंडरटेकिंग होते हैं तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए ही होते हैं, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से प्राप्त होने वाले लाभों को, और अगर आप कोई धन सेविंग करते हैं तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सतर्कता से पढ़ करके समझ करके सिग्नेचर करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आपका धन किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर फंस सकता है या उलझ सकता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का कार्य उत्तम करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं शनि ग्रह की 7th दृष्टि की। शनि ग्रह की 7th दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके नौकर चाकर हैं उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रह सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ साथ यात्राएं आपको थकाने वाली होंगी, परंतु यात्राएं लाभ भी आपको प्रदान करेंगी। यात्राओं के माध्यम से सुखद रिजल्ट प्राप्त होना, या इस समय में आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए या अपने जॉब के लिए अगर आप जाते हैं किसी ट्रेवल को करते हैं, तो आप देखेंगे वह आपका किया हुआ प्रयास आगामी भविष्य में आपके लिए उत्तम रिजल्ट लेकर के आएगा। इस समय में प्रयास करने से चीजें आपको प्राप्त होंगी, तो समय आपके लिए ये भी उत्तम रहेगा।
इसके साथ साथ आपके सिबलिंग्स भी इस समय में आनंद से रहेंगे। हो सकता है वे अपने घर के अंदर कोई रेनोवेशन इत्यादि का कार्य करें या कोई व्हाइट वॉश वगैरह करें, जिससे कि सौंदर्यकरण का कुछ कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर पता चलता है, लाभ की स्थिति बनेगी उनके लिए भी। आपको आपके सिबलिंग्स के माध्यम से और सिबलिंग्स को आपके माध्यम से लाभ होता दिखाई देता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की दसवीं दृष्टि सात आठ नौ दस दसवीं दृष्टि आपके सिक्स हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ये देती है कि अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड, न्यायपालिका से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है तो उसमें सफलता तो मिलती दिखाई देती है, परंतु समय की अधिकता लगती है, कार्यों में डिले हो जाता है, कार्य की पूर्णता में अधिक समय लगता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अपने पैरों को आप ध्यान से रखें। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करें, साथ में ड्राइवर रख सकते हैं तो ड्राइवर रखें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप आराम से पीछे बैठ करके या लेट करके आराम से आप मज़े से अपना ट्रैवल करें तो उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मामा और मौसी की हेल्थ के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनकी हेल्थ के लिए भी आप केयरफुल रहें और अगर टच में रहते हैं तो उनसे संपर्क करते रहें, थोड़ा थोड़ा सा उनसे बीच बीच में बातचीत करते रहें जिससे कि उनकी हेल्थ की जानकारी प्राप्त होती रहे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं बिजनेस व्यापार के लिए तो लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, आप लोन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और लोन आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ एनिमी होंगे तो वे एनिमी आपके सामने आने की समय में कोशिश नहीं करेंगे, एनिमी अपने आप रास्ते से साफ हो जाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहां पर आए हैं तब से आपने एक चीज महसूस की होगी कि रोज एक कोई ना कोई नई टेंशन बन जाती है, सिर के ऊपर एक भारीपन होना, सिर के ऊपर एक पहाड़ जैसी मुसीबतों का होना, ये आपको महसूस होता होगा। इसके साथ साथ सिर में दर्द होना, ऐसी चीजें, सिर आंखों के अंदर दर्द होना, ऐसी चीजों को आपने फील किया होगा, परंतु अभी स्थिति यहाँ पर समाप्त होने वाली है और 12 अप्रैल 2022 से राहु ग्रह मेष राशि में चले जाएंगे, तो ये स्थिति कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छी ही रही मैं मानूंगा। थोड़ी सी देखिए राहु की स्थिति जो होती है ये कष्टदायी होती है, कष्ट देती है, मैं कहूंगा थोड़ा नहीं अधिक कष्ट देती है, जो जिस पर बीतती है वो ही जानता है कि क्या दुख है क्या सुख है। तो राहु की जो यहाँ पर स्थिति है ये ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, या ये कहें कि दुख के बाद सुख, इस तरह की स्थिति होती है। परेशानियां बहुत देखी हैं आपने, परंतु अब उन परेशानियों में कुछ तो रिलीफ आपको प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मैटर था है तो वो अब था में परिवर्तित हो जाएगा जैसे ही राहु ग्रह आपके यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपने चीज तो देखी ही होगी कि इस समय अंतराल के अंदर अपने अपने सभी कार्यों को कराने के लिए सभी प्रकार की योजनाएं युक्ति लगा करके अपने कार्यों को पूर्ण कराया हो, और ये आपने जो कार्य किया है इसका लाभ ही आप प्राप्त करेंगे, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जो कार्य को जिस तरीके से पूर्ण होना था वैसे करा करके अपना काम किया है, अब आगे का जो समय रहेगा वो आगे के समय के अनुसार डिसाइड होगा कि क्या कार्य आपने किस युक्ति किस टेक्निक से किया है। अगर टेक्निक और युक्ति सही है तो सही रिजल्ट प्राप्त होगा, और अगर देखिए अगर टेक्निक और युक्ति अगर सही नहीं लगाई गई है तो दिक्कत वहां पर थोड़ी सी आ सकती है, उसके लिए केयरफुल भी रहना आवश्यक होगा। तो ये था राहु के बारे में। अब इसके हाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, राहु और केतु के मूवमेंट के ऊपर, जैसे कि 12 अप्रैल 2022 को राहु ग्रह यहाँ चले जाएंगे वृषभ राशि में और केतु ग्रह आपके तुला राशि में आ जाएंगे, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया है राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख करके उसके अंदर जो उपाय बताए गए हैं उन उपाय को करके, अगर आप राहु केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका उपाय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है कि आपके ये जो पिछला समय रहा है 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का समय, इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस के जो रिलेशन है या आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनर के जो रिलेशन है उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें हुई थी,
और अगर नहीं हुई है तो ठाकुर जी की कृपा माने कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से रिलेशन अच्छे बने रहे, तो बहुत ही ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। तो और ये बनी ही रहे तो बहुत उत्तम है। परंतु यहाँ पर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है उसके अंदर अब सुधार के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ही समय शेष बचा है। आप ये मान करके चले कि 12 अप्रैल को जैसे ही यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, वैसे ही आपके जो रिलेशन है आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ पहले से उत्तम हो जाएंगे। उनके रिजल्ट आपको प्राप्त होने शुरू होंगे, अच्छे रिलेशन आप इस समय में बना पाएंगे। और जो रिलेशन बने हुए हैं उनके अंदर अगर कोई गड़बड़ाहट हुई है तो उस गड़बड़ाहट को या कोई प्रॉब्लम हुई थी उस प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये तो हो गया है, बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। मून के ट्रांजिट में 14 मार्च 2022 को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको एक यात्रा दे सकता है। हो सकता है आप कोई यात्रा करें। अगर आप डायरी इत्यादि लिखते हैं तो इस समय में आप डायरी इत्यादि लिख करके अपने मन को एक प्रसन्न स्थिति में ले जाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 15-16 मार्च, और मैंने यहाँ पे लिखा है 15 से लेकर के 19 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपने चिल्ड्रन और अच्छा फूड, अच्छा व्हीकल, अच्छा पेट्स का आनंद, लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उसका रिजल्ट आपको बेहतर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब या कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो जो भी एजुकेशन आपने प्राप्त की उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करके या उस एजुकेशन के माध्यम से आप कुछ ना कुछ जॉब या बिजनेस समय में प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसलिए इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 20-21 मार्च को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 20-21 मार्च को देखिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है, इस समय को थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है कि आपको किसी की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ जाए, आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च हो जाए। इसके साथ साथ आपको हो सकता है कि कुछ लोन इत्यादि लेना पड़ जाए किसी कार्य व्यवसाय के लिए या अपने किसी विशेष कार्य के लिए। लोन आपको मिल तो जाएगा परंतु लोन इस समय में लिया हुआ चुकाना मुश्किल पड़ सकता है, तो थोड़ा लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे जब 22-23 मार्च को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये यहाँ पर समय आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा रिलेशन में कुछ व्यवधान उत्पन्न करने वाला होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला होगा। तो इस समय में अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा शांति से रह करके समय को पास करेंगे तो समय उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस व्यापार इत्यादि करते हैं तो इन डेट्स में आपको किसी भी प्रकार से ये वृश्चिक वाला 22-23 में अपने कार्य व्यवसाय में उनकी एडवाइस को इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि ये जो इस समय में दी हुई एडवाइस है ये आपको कहीं ना कहीं लॉस दिखा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 24-25 मार्च को जब 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 24-25 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। देखिए यहाँ पर ये जो समय रहेगा ये समय आपके कुटुंब के किसी सदस्य की हेल्थ के लिए या आपको आपके स्पाउस के, अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के परिवार वालों से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे या उनकी यहाँ पर कोई परेशानी हो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए टाइम टू बी केयरफुल का मतलब है कि समय को आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेने वाला समय, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना लें, बहुत सोच समझ कर, और अगर पॉसिबल हो डिसीजन को पेंडिंग कर दें। पेंडिंग करना बेहतर रहता है, अगर डिसीजन गलत समय में गलत डिसीजन ले लिया तो उसका रिजल्ट गलत आता है, सही समय में सही डिसीजन सही रिजल्ट आता है, तो पेंडिंग कर दे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद 26-27 मार्च को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप अगर अपने अब्रोड जाने के लिए कोई वीजा इत्यादि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। इस समय में आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा आप कर पाएंगे, परंतु यहाँ पर धार्मिक यात्रा में आपको कुछ जैसे कि रश होता है, रश में आपको रुकना पड़ सकता है, कुछ आपको भीड़ इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा जहां पर आपका समय अधिक लग सकता है, इस चीज के लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद
28 29 मार्च को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में कहीं से भी हो, आपके आपके कार्य व्यवसाय से हो, आपके माता पिता से हो या किसी भी प्रकार से हो, आपको इस समय में धन लाभ होना दिखाई देता है। किसी भी प्रकार से आप धन लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 30 31 मार्च और 1 अप्रैल को मीन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। तो देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके धन के अंदर कुछ चेंजिंग करने का रहेगा। इस समय आप में आप लाभ प्राप्त करेंगे, आपने जो कार्य व्यवसाय किया है उससे लाभ आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप अपने कार्य व्यवसाय में जो धन आपने प्राप्त किया है उसे सेविंग कर पाएंगे, उसे आप किसी भी प्रकार से किसी भी स्कीम में लगा करके आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हो सकता है कोई स्टॉक मार्केट इत्यादि से कोई धन लाभ प्राप्त कर ले, कोई प्रॉपर्टी आदि परचेज करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 अप्रैल को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए 2-3 अप्रैल और 4-5-6, तो यहां पर 3-4-5 और 6 इन डेट को थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला है। इन डेट्स में आपका धन किसी ना किसी प्रकार से खर्ची होगा, किसी की मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल के ऊपर खर्ची हो सकता है, एब्रोड जाने में खर्ची हो सकता है, कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है उसके ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है। आपकी स्वयं की हेल्थ अगर उत्तम नहीं है तो इस समय में डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के समय आपको केयरफुल रहने का रहेगा। इस समय में अपने धन को खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करें, ज्यादा जल्दी धन खर्ची करने से बचें तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 7-8 अप्रैल को जब मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होगा, आप अच्छी वाणी का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ साथ आपको आपके परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद जब 9-10-11 अप्रैल को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 9-10-11 अप्रैल को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको कोई यात्रा करने का, कोई सुखद यात्रा इस समय में आप कर पाएंगे। नौकर चाकर का सुख भी आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको हो सकता है आपके सिबलिंग्स अगर दूर रहते हैं तो हो सकता है आपको आपके सिबलिंग्स के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो, या आपको आपके सिबलिंग्स से किसी प्रकार से आपके सिबलिंग्स से मुलाकात हो जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपके सिबलिंग्स भी आनंद से होंगे और आप भी आनंद का अनुभव कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 12-13 अप्रैल को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके माता पिता के साथ व्यतीत करने का होगा, अच्छा समय रहेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप अपने घर के अंदर एक आनंद का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे, समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके अगर स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए रहेगा, आप अपने एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय में आप जो याद करेंगे या जिन चीज़ों अपनी एजुकेशन के लिए जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो सिद्ध होगी, कारगर होगी, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं अगर संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट को यूज कर सकते हैं, लाभदायक रहेगी, इसका लाभ वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में उनके द्वारा क्रिएशन आदि का अगर कोई कार्य करते हैं तो उससे भी लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। तो ये था वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए राशि भविष्य मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।